कलारंभ की वास्तविक कहानी। कलारंभ की कहानी गुजरात के मेहसाणा प्रांत के छोटे से गांव मोटप से शुरू होती है। यह अपनी संस्कृति, विरासत में मिली कला और शिल्पकारों को सुरक्षित करने एवं उसको बढ़ावा देने की कलारंभ की एक वास्तविक कहानी है। ये गांव में एक जैन परिवार से श्री चीनू भाई शाह, जिन्हें लोग मोटाई यानी मोटा भाई के नाम से पहचानते हैं, जो अपने पुरखों की हस्तशिल्प की कला कारीगरी का व्यवसाय चलाते हैं, उन्हें अंतर मन से स्पर्श के माध्यम से कलाकृतियों की गुणवत्ता जांच करने का विशेष सामर्थ्य प्राप्त था। उन दिनों प्लेग के कारण पारंपरिक कला विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी थी, क्योंकि कदरदान उन्हें खरीद नहीं पा रहे थे। शिल्पकारों ने अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य काम की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन वे काम खोजने में भी असफल थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में सिर्फ कलाकृतियों का निर्माण का ही कार्य किया था। उस समय चीनू भाई शाह ने अपनी पत्नी कंचन बा के साथ अपने कारीगरों की मदद के लिए अपनी संपत्ति बेचने का फैसला किया। हमारे परिवार पर अगर कोई संकट आए तो हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, और ये शिल्पकार भी हमारे परिवार का हिस्सा है, और उसके साथ हमें हमारी कला को भी बचाना है। मोटाई ने अपनी संपत्ति बेचकर कारीगरों को अपनी कला को जारी रखने के लिए उत्साहित किया और नए व्यापार की तलाश में वडोदरा स्थायी हो गए। उन्होंने वडोदरा में भारत हाट के नाम से हस्तशिल्प का व्यापार शुरू किया, जिससे उनके शिल्पकारों को फिर से खड़े होने में मदद मिली और बहुमूल्य विरासत कला को नया जीवनदान मिला। लेकिन जल्द ही हस्तशिल्प के बारीकी भरे काम के कारण मोटाई ने अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी। डॉक्टर को बुलाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस घटना के बाद मोटाई के बड़े बेटे भरत ने 16 साल की छोटी सी उम्र में अपनी माँ कंचन बा के कहने पर स्कूल छोड़ दिया और परिवार, शिल्पकारों और व्यवसाय की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। भरत भाई ने मोटाई के मार्गदर्शन में व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस दौरान भरत भाई ने अपने पारंपरिक उत्पादनों की तकनीकों को सीख के अपने शिल्पकारों को उत्पाद की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के नए नए तरीके सिखाकर उन्हें प्रतिस्पर्धी बाजार में खड़े रखने की तालीम दी। कुछ सालों के बाद बाजार का रुझान बदलने लगा और खरीदार का रुख मॉल कल्चर की ओर होने लगा था। लोग विदेशी उत्पादों की ओर अधिक आकर्षित होने लगे थे और हमारी कीमती विरासत में मिली कला और शिल्पकार एक बार फिर खतरे में आ गए थे। ये शिल्पकार हमारा परिवार है और उसके साथ हमें हमारी कला को भी आगे बढ़ाना है। और इस तरह से भरत भाई के दोनों बेटे विरासत में मिली अपनी कला और शिल्पकारों को आगे बढ़ाने और ब्रांडेड विदेशी कंपनियों के मुकाबले खड़े होने के लिए उनके साथ शामिल हो गए। भरत भाई के बेटे भारत हाट को नई ऊंचाइयों पर ले गए और भारत की ऐसी पहली कंपनी बन गई जिसने विविध मॉल, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग करके पारंपरिक कलाकृति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2019 में एक बार फिर से भारत हाट की यात्रा में उतार चढ़ाव के साथ पूरे विश्व को कोविड महामारी ने चपेट में ले लिया। इन दिनों एक शब्द बड़ा ही प्रचलित हुआ, न्यू नॉर्मल। इन दिनों सुगम जीवन शैली को और बेहतर बनाने के लिए सभी को डिजिटाइजेशन की ओर रुख करना पड़ा, जिसमें सब कुछ डिजिटल होने लगा। हमारे भरत भाई भी इसमें कहां पीछे रहने वाले थे। भारत हाट ने भी खुद को डिजिटाइजेशन की ओर मोड़ लिया और कलारंभ के नाम से अपनी नई ब्रांड का निर्माण किया। और अब कलारंभ अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू कर रहा है, जो अपने आप में ऐसी पहली वेबसाइट है जहां पे ग्राहक भारतीय कीमती पारंपरिक कला को दुनिया में कहीं से भी सीधे शिल्पकारों से आधुनिक और पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके बनाए हुए हमारी कलाकृतियों को खरीद सकते हैं। कलारंभ को अपने शिल्पकारों और भारत की अनमोल विरासत कला पर गर्व है, और हम विरासत में मिली हमारी कला को हमेशा जीवित रखेंगे। जय हिंद।